हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीए का फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर नागपुर यूनिवर्सिटी, जो राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में पढ़ने वाले कि उसका जो बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसके बैचलर ऑफ आर्ट्स के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में लाता रहता हूँ। और ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि जो पूरी सब्जेक्ट की लिस्ट जो है आपको पता चल सके। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जो आपको रिप्लाई देता रहता हूँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला सेमेस्टर होता है सेमेस्टर फर्स्ट, तो वहाँ पे जो आपको इंग्लिश का पेपर वन होता है, उसके बाद आता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी होता है, उसके बाद आता है मैथमेटिक्स का पार्ट वन। तो ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर, तो यहाँ पे जो इंग्लिश पेपर का पार्ट टू आता है, उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है और मैथमेटिक्स का पार्ट टू होता है। तो ये सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं, अगर आप जो है नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा रिप्लाई देते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।